अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप खैरियत से होंगे और भरपूर एंजॉय किया होगा आपने फाइनल, बिकॉज दिस फाइनल वॉज एपिक एंड अमेजिंग। यानी जो जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई दोनों टीम्स की तरफ से, वी वर एक्सपेक्टिंग सच काइंड ऑफ फाइट बैक। जो टग ऑफ वॉर चली है भरपूर, दिस फाइनल वॉज वो ही कहते हैं ना लास्ट बॉल फिनिश, यानी आखिरी बॉल तक सब कुछ हो सकता था, सुपर ओवर भी हो सकता था, तो जीत भी सकती थी एक दूसरी टीम, या जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो सकता था। तो बात करेंगे इस फाइनल के हवाले से। इवेंचुअली लाहौर कलंदर्स इज द चैंपियन ऑफ PSL सीजन 8, सो वी विल टॉक अबाउट इट। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। यस, एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट का इससे ज्यादा फिटिंग इख्तिताम नहीं हो सकता था। पाकिस्तान सुपर लीग 8 बहुत ही खूबसूरत यादों के साथ, बहुत सारी एक्साइटमेंट के साथ खत्म हो गया है, एंड इट्स द टाइम नाउ व्हेन द विड्रॉल स्टार्ट्स। और जा रहे जब टूर्नामेंट ऐसा होगा तो उसका विड्रॉल कितना शदीद होगा। नेचुरली हमारे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे अबाउट द फाइनल एंड वी विल रिव्यू दिस एंटायर टूर्नामेंट एज वेल। इसके अलावा कुछ बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी हमारे साथ सवेरा आज होने वाले हैं, exactly. जो हम आपको अभी नहीं बता रहे, सो दोज आर सीक्रेट्स, लेट्स कीप इट फॉर नाउ। लेकिन फॉर नाउ अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद इरम को भी करते हैं, लाहौर स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इरम, हाउ आर यू डूइंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीम वन। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले तो आपको वेलकम बैक, थैंक यू। लाहौर कलंदर सबकी टीम है, पूरे पाकिस्तान की टीम है, आए है। और एक बहुत ही अच्छा मैच देखने को मिला और कह लें कि इन द एंड जो है वो पाकिस्तान जीता है। मगर कुछ हो ना हो इरम, आपने साथ नहीं छोड़ा लाहौर का, और बिल्कुल जी, और जो कमाल लाहौर ने किया, यानी व्हेन PSL 8 स्टार्टेड ऑफ दे वन अगेंस्ट मुल्तान बाय 1 रन, एंड नाउ एंडिंग इट ऑफ फाइनल में फिर मुल्तान और फिर 1 रन से जीत, यानी व्हाट 180 वुड आई से और 360 वुड आई से, द पूरा लूप कंप्लीट हो गया। सो 360 व्हाट अ 360 डिग्री टर्न अराउंड एंड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। मतलब सेम वही सब कुछ था, या जमान और खुशदिल थे तब भी और कल भी जमान और खुशदिल आमने सामने थे। इसी तरह हुआ, यही खुशदिल क्या सोच रहा होगा, खुशदिल जस्ट इमेजिन, मुझे आखिरी बॉल आई थी सवेरा एंड आई वाज थिंकिंग कि खुशदिल के लिए व्हाट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ हीरो। याद रहे लास्ट टाइम खुशदिल जब PSL खत्म हुआ था, he was literally on a high, और उस वक्त पाकिस्तान टीम में भी जगह बना रहे थे, he was playing, और जाहिर है फिर उसके पिछला एक साल तो उसके बाद उनके लिए इतना अच्छा नहीं रहा, we can debate about that, लेकिन अगर just imagine कि वो जो 2 रन्स बने थे वो 3 रन्स ही बन जाते हैं और ये मैच सुपर ओवर में चला जाता, व्हाट अ टर्न अराउंड दिस कुड हैव बीन फॉर खुशदिल शाह। तो चलें जी आज तफसील से, एज आई सेड हम प्रोग्राम में इसके हवाले से बात करने वाले हैं। शाहीन शाह अफरीदी अवार्ड कहते ना, गेस्टरडे एक मौके पे ऐसा लग रहा था सवेरा कि जिस वक्त फखर बैटिंग कर रहे थे और फखर अनकैरेक्टरिस्टिकली स्लो बैटिंग कर रहे थे, उस वक्त लग रहा था कि शायद ये विकेट जो है ये स्लो पेस वाली विकेट होगी, 160-170 रन यहाँ कंपेरेटिव होगा, और शाहीन शाह अफरीदी केम एंड ही चेंज द एंटायर कॉम्प्लेक्शन ऑफ दिस गेम। और मुझे हमारा वो बार बार डिस्कशन याद आ रहा था जो हमने लाला के साथ किया था, एंड आई एम प्रीटी श्योर हाउ हैप्पी लाला वुड बी, क्योंकि उस वक्त तो वो कह रहे थे कि यार अप्रिसिएट तो करो, कम से कम एफर्ट तो किया उसने यार, लेकिन अमेजिंग मैच, अमेजिंग मैच। नहीं वो आज ही मैं जो है वो सुन रही थी कि शुएब अख्तर जो है वो लाला को कह रहे थे कि हाँ जी दामाद जीत गया है, अब आपकी बारी है, प्रेशर बढ़ गया आपके ऊपर, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर इन द टूर्नामेंट। बट इरम मतलब वंडरफुल ऑलराउंड परफॉर्मेंस, जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने बैटिंग की, लग ऐसा रहा है कि लाला की सोबत में ज्यादा रहने लगे। जी बिल्कुल, उनके दामाद भी बन चुके हैं अब तो कह लें कि थोड़ा असर तो आएगा ही, लेकिन नहीं जी बिल्कुल, शाहीन ने जिस तरह खुद को बैक किया है और जहाँ पे टीम को ज़रूरत थी, जिस तरह उसने कह लें कि वो आया है ग्राउंड में, उसने डेविड ने आना था और मैंने उसका इंटरव्यू सुना, वो बता रहा था कि मैंने एक लेग गार्ड पहना और दूसरा नहीं पहना हुआ था, मैंने तभी आवाज़ लगा दी कि मैं जाऊँगा अंदर। तो बिल्कुल ही अच्छा भी डिसीजन था, क्योंकि खुशदिल शाह भी था सामने लगा हुआ था और शाहीन लेफ्टी भी है, क्योंकि सिकंदर भी आउट हो चुका था, एहसन भी आउट हो चुका था, तो मुझे लगता है कि उस वक्त लाहौर पे काफ़ी प्रेशर था, जिस वक्त ये बहुत ज़्यादा एक बिग डिसीजन था जो कि शाहीन ने लिया और उस चीज़ का कह लें कि उनको इनाम भी मिला। जहाँ हम मुल्तान सुल्तान की बात कर रहे हैं, वहाँ मुल्तान सुल्तान के एक बहुत अहम, बट बिफोर दैट येस कॉन्ग्रेचुलेशंस लाहौर, द चैम्पियंस ऑफ PSL सीजन 8, PSL सीजन 7, तो अब ये कि PSL सीजन 9 में क्या कमाल, क्या धमाल, क्या होने वाला है, वो तो अब पूरा एक साल
हमें इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय द लाहौर कलंदर्स, मतलब व्हाट अ परफॉर्मेंस। बट जहां मुल्तान सुल्तान की हम बात करें, मेरा ख्याल से दे शुड नॉट बी डिसअपॉइंटेड, इसलिए क्योंकि जितनी अच्छी फाइट बैक मुल्तान सुल्तान ने दी, मेरा ख्याल से इससे बेहतर फाइट बैक कोई और टीम नहीं दे सकती थी, कोई इतना अच्छा मुकाबला नहीं हो सकता था। और अभी मुझे दिखे हमारे स्क्रीन पे हमारे साथ मुल्तान सुल्तान के बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत जो है वो मौजूद है, हमारे अपने मुशी भाई मौजूद हैं। जी मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो, वेल प्लेड। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। वेरा आपने बड़ी अच्छा तरीके से डिस्क्राइब कर दी थी सिचुएशन को कि कल जो मैच हुआ वो क्रिकेट वाज द विनर, क्रिकेट जीती है कल क्रिकेट ने। आपको बताया जो लोग मैच देख रहे थे जो खेल रहे थे, इवन हम डग में बैठे हुए थे, इतनी डिसअपॉइंटमेंट कल ऑनेस्टली नहीं हुई। इसकी वजह पता क्या है? इसकी वजह ये है कि ये क्रिकेट की सबसे खूबसूरती चीज ये है कि एंड तक बॉल, आखिरी बॉल तक आपको पता ना चले कि गेम जाएगी। आई थिंक इससे खूबसूरत क्रिकेट क्या हो सकती है। और आपने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, कलंदर लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी पूरी टीम को क्रेडिट देना चाहिए कि उनके अंदर भी पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह हमें अल्लाह ने तौफीक दी हुई थी ना कि हम किसी भी सिचुएशन में गिव अप नहीं किया, उनके अंदर भी की टीम के अंदर भी ऐसा ही था। पूरे टूर्नामेंट में कई मैचेस वो जीते हैं जिसमें वो हारे हुए मैच जीते हैं। इसकी वजह ये है कि लीडरशिप का इसमें बहुत रोल होता है। आप लोगों को पता है लीडर शहीन डिड स्टार्ट वेल, जब बैटिंग उसने की तो बैटिंग में वो वापस लेके आया, और फिर जब बॉलिंग की तो बॉलिंग में उसका स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ। मगर ये जो एक लीडर का बिलीव होता है ना, जैसे रिजवान है, शहीन है, ये लड़के में आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस, वेरी वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम कि ये लड़कों में इतना टेम्परामेंट अच्छा है कि ये किसी सिचुएशन पे भी गिव अप नहीं करते। इसीलिए ये दो तीन टीमें जो ऊपर जाती हैं, ये इनके अंदर अल्लाह ने खूबी रखी है। आपका लीडर गिव अप नहीं करता तो पूरी टीम के अंदर बिलीव आ जाता है कि यार किसी वक्त भी हम जीत सकते हैं। जैसे हमारी पावर जब ओवर को 100 हो गया था ना 10 ओवरों में, तो 3 मिनट की जो ब्रेक आती है उसके अंदर गेम है और एंडी गए तो एक ही बात की थी, रिजवान ने भी, एंडी ने भी, मैंने भी और पोलार्ड ने, सब ने एक ही बात की थी, गाइज वी आर जस्ट 1 or 2 wickets अवे फ्रॉम टेकिंग देम बैक एक्चुअली। और वो ही हुआ, आपने देखा फखर वो खेल रहे थे, अच्छा 100 हो गया था उनके 9-10 ओवरों में, तो उसके बाद जब हमने 2-3 विकेटें सामामी ने आके ली तो वो बिलीव जो था वो तब तक प्लेयर बिलीव नहीं करते जब तक आपकी पूरी मैनेजमेंट, आपका कप्तान बिलीव ना करे कि वी कैन चेंज द गेम। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्रिकेट वॉज विनर लास्ट नाइट एंड क्रेडिट गोज टू लाहौर कलंदर। आई एम अ वेरी प्राउड कोच बिहाफ ऑफ माई टीम, मुल्तान सुल्तान के जितने भी लड़के हैं, वी प्राउड ऑफ देम जिन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपने उठाया कि जी वाकई अब यहाँ वी शुड बी सो प्राउड ऑफ दीज यंग पाकिस्तानी प्लेयर्स, जो पाकिस्तान का कोर है, कि किस तरह उन्होंने इन हालात में, क्योंकि अब तो PSL इज़ बिहाइंड अस नाउ, पाकिस्तान के सीज़न का आगाज़ इमिजिएटली होने वाला है, एंड हाउ मच वी विल बी नीडिंग दिस कॉन्फिडेंस फ्राम दीज प्लेयर्स। मुशी भाई कल के मैच के हवाले से सिर्फ एक सवाल हुआ, हम भी सब मैच देख रहे थे, आप भी स्क्रीन पर बार बार नजर आ रहे थे, एक बॉल पे जब 4 रन रह गए थे, यकीन मुझे ईमानदारी से बताइए आपके जहन में क्या आ रहा है? जैसे मुझे पता है क्या लग रहा था, हमने अपने ग्रुप में भी सवेरा ने काफी देर पहले पूछा था कौन जीत रहा है, मैंने कहा लाहौर जीत रहा है, एक बॉल पे 4 रन, मुशी भाई क्या था जहन में? बिल्कुल माइंड ऑफ हो चुका था लिटरली, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब के जितना मर्जी अगर मैं कह लूं, मैं अगर आपको दिल की बात बताऊं तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या होगा, कुछ मतलब ये होता है ना कि बिलीव होता है कि ये होगा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जितने भी बैठे थे ना लाइन में, आलमगीर साहब, एंडी, मैं और दूसरे कोचेस, हम ये कोई किसी का, मेरे एक जुबान से निकला था, एक जुमला निकला था कि अल्लाह जिता दी हूँ तेरी मेहरबानी। तो वो कहने का मतलब ये कि आपके बस में कुछ नहीं होता, यू जस्ट वॉचिंग। एंड अदील क्वेश्चन यही है कि जब आप मेंटली जो कहते हैं ना प्रेशर में, बड़े बॉलर जुमान को पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि उसने इस पूरे टूर्नामेंट में लाहौर कलंदर को कई हारे हुए मैच जिताए हैं हमारे खिलाफ, मुल्तान सुल्तान में, मुल्तान के अंदर जब आखिरी ओवर में इतने स्कोर चाहिए था और खुशदिली खेल रहा था तब भी उसने नहीं होने दिया था। और मैं कल का बता रहा हूँ टेक्टिकल, एक बात बता रहा हूँ टेक्टिकल बात ये थी, मिड ऑफ ऊपर रख के उसने 5 फील्डर, क्योंकि सर्कल में आगे थे ओवर टाइम की वजह से,
तो उसने दो स्लो बॉल पहले कर दिए लेंथ बॉल जो कि आराम से मिड ऑफ के ऊपर से लग सकते थे, बिकॉज ही हैड द नर्व्स, उसकी जो नर्व्स थी ना वो काम कर रही थी एंड ही वाज सो रिलैक्स। और यही टीमों की निशानी होती है जीतने के एंड में, जो फिनिश लाइन करता है ना, जो भी कोई भी किसी फील्ड में भी हो दुनिया में, वो फिनिश लाइन पे वही करता है जिसके नर्व काम कर रहे हो, जो अपना मेंटली रिलैक्स हो और वो पता हो कि मैं कर क्या रहा हूं, उसके ऊपर आप 70% देखे कि रिजल्ट उसके पास आते हैं। एंड क्रेडिट गोज टू जुमान और उनकी मैनेजमेंट को, शहीद को भी, जो हमेशा उस पर रिलाई करते हैं और ही ऑलवेज एग्जीक्यूट हिज प्लान पाकिस्तान सुपर लीग प्रोड्यूस करता है एंड द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स जो यहाँ से आते हैं। एंड ऑफकोर्स जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि इट ऑल्सो टेल्स यू अबाउट द फ्रेंचाइज मैनेजमेंट एज वेल। कितने डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट आप देखते हैं, आई मीन इट्स अ ब्रिलियंट केस स्टडी। और जब केस स्टडी की बात करते हैं सवेरा, तो ऑफकोर्स आई थिंक कलंदर स्टोरी इज सो ब्यूटीफुल, जो हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। पहले चार सीजन में द सेंटर ऑफ ऑल द जोक्स, बट देन मे बी दे सेट इनफ इज इनफ नाउ एंड व्हाट अ टर्न अराउंड, व्हाट अ टर्न अराउंड, व्हाट अ टर्न अराउंड ऑनेस्टली। एंड दैट टर्न अराउंड, वो कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म आप प्लानिंग करते हैं तो शुरू में आते हैं हिकअप्स, मगर उन हिकअप्स के बाद देन वो टाइम आता है जब आप सबर का फल मीठा होता है और वो मीठा फल इंजॉय करते हैं। तो शुरू के चार साल जहां लाहौर कलंदर्स जो है वो शायद प्लेऑफ्स घर पे बैठ के देखते थे, अगले चार साल में 3 दफा फाइनल और 2 दफा चैंपियन, यानी कंजेकटिव चैंपियंस बनना। और लाहौर कलंदर्स के सीईओ एंड टीम मैनेजर समीन राणा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऑलवेज लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने का। बिल्कुल जी, मतलब इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने परफॉर्म किया, एंड टाइम एंड अगेन हम बार बार यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे भी यही बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल है, एक लाहौर कलंदर जो है ना वो एक केस स्टडी है सारी उन फ्रेंचाइज के लिए जो अभी एग्जिस्ट करती हैं, कि किस तरह आप मैच विनर्स खुद डेवलप करते हैं और फिर उन मैच विनर्स को मैदान में उतारते हैं कि अब हमें जीत के दो गेम्स। नहीं बिल्कुल, देखिए आपने जैसे बताया कि चार सालों में लाहौर की परफॉर्मेंस इनिशियल चार सालों में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लर्निंग पीरियड था हमारे लिए और इसमें हम यही कोशिश करते रहे कि हम चीज़ों को कैसे बेहतर करें, किस तरह से इम्प्रूव करें अपनी चीज़ों को। उसमें एक ही बात समझ आई कि जो आपकी कंसिस्टेंसी है किसी भी चीज़ के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक तो बिलीव होना चाहिए, जो आप काम कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसकी आपकी डायरेक्शन ठीक है। रिजल्ट आने में टाइम लगता है, लेकिन उसमें वही आपका टेम्परामेंट का टेस्ट भी होता है। ये आसान नहीं था क्योंकि चार साल मुझे याद है हर तरह की जो आपको तनकीद है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। इवन आपके फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो भी आप को बाज दफ़ा ये कहते हैं कि यार ये आपसे नहीं होगा, ये छोड़ दें या शायद किसी और को ले आए या जिसको चेंज कर लें या उसको रख लें। बहुत सारी चीज़ें आपको बर्दाश्त करनी भी पड़ती हैं, सुननी भी, लेकिन मैं समझता हूँ ये आपकी एक लर्निंग का हिस्सा है। और अगर आप चीज़ों को तनकीद को पॉजिटिवली लें तो उस पर अपने प्रोसेस पे बिलीव करें, अपनी ऑनेस्टी पे बिलीव करें और सच्चे दिल के साथ मेहनत करें तो डेफिनेटली ये हो नहीं सकता कि आपको उसके रिजल्ट्स ना मिले। समीन, आप मुझे खुश से ज्यादा उदास क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आप वेव ऑफ कर रहे हैं, प्लेयर्स जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली जो कि पिछले 6-7 महीने से, मुझे आप उदास उदास क्यों लग रहे हैं? पूरी रात सेलिब्रेशंस हुई है मुझे तो ऐसा लग रहा है समीन, इज दैट द केस? आपने बिल्कुल यू गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि देखिए 4 महीनों से आप जब इकट्ठे टाइम गुजार रहे होते हैं, यस, दो चार हफ्तों से, तो ये आसान नहीं होता। बिल्कुल एक फैमिली की तरह हम वहाँ पे रह रहे थे और हमारे जो जिस तरह अब लाहौर की जो टीम है वो टीम से ज्यादा फैमिली है। शाहीन हो, हारिस हो, राशिद हो, डेविड हो, इवन लोकल जो है, और जितना ज्यादा हम लोग मजा कर रहे थे। बल्कि कल ग्राउंड में जाते हुए मैं शाहीन को कह रहा था कि मैं उदास हो जाऊंगा क्योंकि तुम चले जाओगे, तो वो एक फैमिली के साथ जो गुड बाय वाला सीन एक उदासी वाला सीन था, लेकिन ये है कि obviously we all professional, we understand that. चले जी, हमारी स्क्रीन पे माशाल्लाह, हमारी स्क्रीन पे माशाल्लाह रौनकें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं समीन के आने के थोड़े लम्हात बाद जो है इंजी भाई भी हमारे साथ मौजूद हो गए। अस्सलाम वालेकुम इंजी भाई, वेलकम टू जोर का जोड़। मजा आ गया कल के मैच में आपको भी?
जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, और मेरा भी समीन भाई को, मुश्ताक को, बाकी सारों को भी सलाम। बिल्कुल मेरे ख्याल में इससे अच्छा फाइनल नहीं हो सकता था कि जो कल फाइनल हुआ था, जो कल क्रिकेट हुई है ना, मेरे ख्याल में इससे अच्छी नहीं हुई। क्योंकि जी मैच के फर्स्ट हाफ में क्योंकि जी मुल्तान सुल्तान वालों ने पूरा हमला कर रखा था, 15-16 ओवरों के बाद शाहीन ने जाके मैच चेंज किया और बड़ा जबरदस्त हुआ। और फिर मुल्तान सुल्तान ने पहले 10 ओवरों में जिस तरह उन्होंने 101 रन कर लिया था और उनकी विकेटें भी नहीं गिरी हुई थी, तो लग रहा है वो भी वही है, और आखिरी ओवर तक पता नहीं चल रहा था। तो मेरे ख्याल में देखने वालों के लिए हम खुद भी ऐसा लग रहा था कि जिस तरह डग आउट में ही बैठे है। तो बड़ा जबरदस्त मैच था, और मैंने कहा समीन भाई को और पूरी लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को मुबारक हो। हाँ। कि जी, और बड़ी बात है कि जी दूसरी दफा जीत रही है और बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी समीन साहब, एक सवाल जो है ना, वो हम सोच भी रहे थे अभी, हाँ। आपस में हम डिस्कस कर रहे थे आपसे, ये पूछें या नहीं पूछें। नहीं, फाइनल मैं कहूँ, फाइनल ना समीन, थोड़ा सा जो है वो फीका रह गया। और पता है क्यों फीका रह गया? बिकॉज वी ऑल वॉज एक्सपेक्टिंग कि वंस लाहौर कलंदर्स जीतेगी तो हमें कहीं ना कहीं कहीं से गद्दाफी के किसी एंट्रेंस से मे बी सनग्लासेस लगाए, लाइट बंद होगी, लाइट बंद होगी और ठक करके स्पॉटलाइट पे राणा फवाद साहब दिखेंगे। बिकॉज शुरू के मैं अगर 3 से 4 सीजन की बात करूं तो फवाद साहब जो है ना, वो ही वॉज दी हाईलाइट, चाहे लाहौर कलंदर्स को शिकस्त हो रही थी कि नहीं, बट ही वॉज द बिगेस्ट स्टार ऑफ PSL। कहाँ गायब हो गए हैं, कहाँ आपने छुपा दिया उनको? नहीं, कहीं नहीं छुपाया। ऑब्वियसली वो अब फ्रेंचाइज में इन्वॉल्व नहीं है, yeah. 3 साल 4 साल से। लेकिन देखिये, हमारा जो फोकस रहा, अब अगर हमारी 4 साल 8 सालों की जर्नी देखें तो 4 सालों में आपको एक सर्टेन फोकस नजर आएगा, और लास्ट जो 4 साल है उसमें आपको फोकस थोड़ा सा डिफरेंट नजर आएगा। अब हमारे लिए जो हमारा फेस है या जो हमारा स्टार है, जो हमारी फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे कैप्टन है शाहीन शाह अफरीदी। और हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बैकग्राउंड में रहे और जो हमारे जो प्लेयर्स हैं हम उनको फ्रंट पे लाएं, क्योंकि ये जो सारा काम आप अगर देखें ना, तो ये प्लेयर्स के ही दम से सारी रौनक है, ये वो डिजर्व करते हैं इस सारी अप्रिसिएशन को। यस, मैनेजमेंट का रोल है कि उनको सपोर्ट करे, और जहां पे खुदा ना खास्ता बुरी परफॉर्मेंस आए और क्रिटिसिज्म आए, देन वी नीड टू कम फॉरवर्ड। तो अब हमारा जो ब्रांड है उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो शाहीन शाह करते हैं या हारिस रोफ करते हैं या राशिद करते हैं या डेविड करते हैं, और ये हमारी फिलॉसफी है कि ये क्रिकेट की फ्रेंचाइज है और इसको क्रिकेटर्स को ही आगे सामने आना चाहिए। राइट एक और जो ज़ाहिर है मुशी भाई इराम, बिकॉज समीन इज विद अस फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, तो हम चाह रहे थे ज़रा उनके साथ सवालात हम निपटा लें। समीन, अंदाज़ा यही हो रहा है कि फेजेस में फ्रेंचाइज मैनेजमेंट आपकी जा रही है, पहले बिल्डअप फेज था, नाउ इट इज़ डिलीवरिंग रिजल्ट्स, आप ये देख रहे हैं। अगर और हमने ये भी देखा है कि इस साल जैसे लाहौर कलंदर्स हॉकी में भी जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है विद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एंड ऑल, आई थिंक आई शुड नॉट आंसर दिस, बट व्हाट्स नेक्स्ट फॉर लाहौर कलंदर्स? अब हम क्या एक्सपेक्ट करें? मैं PSL 9 की बात नहीं कर रहा, लाहौर कलंदर्स ब्रांड की बात कर रहा हूँ कि व्हाट इज द नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग फ्रॉम योर एंड? देखिए, जब ब्रांड हमने बिल्डिंग की तो ऑब्वियसली एक चैलेंज था ब्रांड को डेवलप करना। Now, अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांड इज डेवलप्ड, PSL का भी और लाहौर कलंदर का भी। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि आप इस ब्रांड को किस तरह से फर्दर लेवरेज कर सकते हैं टू डू योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। हॉकी की आपने बात की, इसी तरह हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स हैं जो हमारे प्लान्स में हैं। अभी हमने लाहौर में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो काफी देर से बनाया हुआ है, अब इंशाल्लाह कराची में भी बड़ी जल्दी एक नया हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनने जा रहा है। लाहौर में हमारा प्लान है 6 से 7 हाई परफॉर्मेंस सेंटर और बनाने का, और इसी तरह ये पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। क्योंकि अब अगर आप देखें तो ये जो ग्रास रूट पे क्रिकेट या स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट, मैं इसको स्पोर्ट्स की कहूँगा क्योंकि क्रिकेट तो एक स्पोर्ट है, जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें भी मोर और लेस अगर आप देखें तो एथलीट ट्रेनिंग जो है मोर और लेस सेम होती है, आपकी फिजिकल फिटनेस हो, डाइट्स हो या अदर चीज़ें हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस ब्रांड को लेवरेज करते हुए जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ताकि वो ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि हॉकी में या फुटबॉल में या बाकी स्पोर्ट्स में भी
आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सके। ब्रिलियंट, बिल्कुल। और आपके अगर मैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं समीन, तो हमें हर साल कोई ना कोई एक नई शक्ल दिखती है जो कि आपके प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आता है और आके बिल्कुल अभी आखिरी लम्हात में PSL 8 में हमें एहसान हफीज का दीदार करवाया गया लाहौर कलंदर्स की तरफ से। अब आगे और कितने ऐसे चराग कहीं छुपा के आपने रखे हुए जो कि जो अभी तराशे जा रहे हैं जो हमें फिर PSL 9 में एकदम से सामने दिखेंगे, हैं ऐसे अभी भी हमारे पास पॉकेट में लोग? हमारे पास इस वक्त 128 लोग हैं जो क्रिकेट हमारी हाई परफॉर्मेंस सेंटर है लाहौर में, उसमें स्टूडेंट्स हैं। और उस 128 बच्चों में से जो 30 प्लस जो किड्स हैं वो हमारे टॉप रेटेड किड्स हैं और उन पे भरपूर काम हो रहा है। उनमें से कुछ जो हैं वो 12 से 15 साल की एज के हैं जो कि ऑब्वियसली अभी बहुत छोटे हैं लेकिन उनमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है। और हमारी कोशिश ये है कि हम उनको साथ लेके चलें, उनको ग्रूम करें। अभी इस दफ़ा अगर आप देखें तो हमारे PSL के स्क्वाड में जो न्यू एडिशंस थे उसमें 7 लोग ऐसे थे जो PDP से और हमारी क्लास ऑफ 22 जो था, जो हमारा इनिशिएटिव था अंडर द PDP विद यॉर्कशायर, जो 6 महीने पहले इन बच्चों ने ओपन ट्रायल दिए। एस्टन भट्टी थे, ताहिर बेग थे, जल्लाद खान थे, शेन डैडज़ल जो साउथ अफ्रीका से हैं वो थे। तो इन लोगों ने 6 महीने हमारे साथ रहे हैं। ये घर नहीं गए, थोड़े देर के लिए जाते थे, नबीबिया गए और दिन रात इनके ऊपर काम हुआ और मेहनत हुई। और हमारा कॉन्फिडेंस था कि अगर हम इन लड़कों को जब चांस देंगे तो इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेंगे। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात मुझे सेमीफाइनल्स में जो पेशावर के ख़िलाफ़ हमारा मैच था उसकी हुई, क्योंकि लाहौर की टीम जो थी वो स्ट्रगल कर रही थी चेस करने पे। और एक तरह से सब टीमों को ये पता लग गया था कि अगर हम टॉस जीत के इनको चेजिंग पे भेजेंगे तो ये अंडर प्रेशर आएंगे। तो उस वक्त 2 प्लेयर डेवलपमेंट के प्लेयर्स का स्टूड अप करना, लाइक ताहिर बेग और एहसन भट्टी, और बगैर किसी इतने बड़े स्टेज के एक्सपोजर के अपने नर्व्स को कंट्रोल करना और डिलीवर करना और टीम की जीत में किरदार अदा करना, इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती थी। बिल्कुल, बट समीन सुख की सांस तो ली होगी जब कल टॉस जीता लाहौर कलंदर्स ने और मौका मिल गया कि हाँ जी वील बैट फर्स्ट। सच्ची बात बताऊं कि आफ्टर द सेमीफाइनल वी हैव अ कॉन्फिडेंस विद अस कि हम चेस भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन पहले तो आपने चेस किया और पेशावर की बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइन थी, उन्होंने हमारे से पहले इस्लामाबाद को 171 नहीं करने दिया था। इतनी बड़ी बैटिंग लाइन को उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था अंडर पार स्कोर के ऊपर, जो कि हमारे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था। लेकिन जब हमने उनको बीट किया तो फिर ये कॉन्फिडेंस था कि वेदर वी विन द टॉस और वेदर वी लूज द टॉस, वी कैन विन द गेम। तो ये कॉन्फिडेंस रहा। समीन थैंक यू सो मच, समीन थैंक यू फॉर योर टाइम एज ऑलवेज। आप हमेशा टाइम निकालते हैं हमारे शोज के लिए। गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू लाहौर, व्हाट ए स्टोरी, एंड वी आर ऑल्सो एक्साइटेड अबाउट द फ्यूचर प्लान्स जो अभी समीन ने बताए। हम जा रहे हैं ब्रेक की जाने, वापस आके अपने डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग जोर का जोड़। या वेलकम बैक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोड़। अदील और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं PSL फाइनल की। वेल, जितनी बात किए जा रहे हैं और जितनी तफसील से बात कर रहे हैं, जैसे कहना चाहे एक्साइटमेंट और वो जो सवेरा की ना गूज बम्प वाला फैक्टर हो रहा है। समीन राणा को आपने अभी सुना, उनके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। ही डिड साउंड अ बिट लो ऑन एनर्जी, एंड सवेरा की बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन अपने प्रोग्राम में इस वक्त हम खुशामदीद कहते हैं लाला को। अस्सलाम वालेकुम लाला, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सवेरा। अदील, तुम 2 दिन से कहाँ गए? तो मैं तो समझ रहा था कि आप कहीं समा छोड़ के चले गए। मैं जाऊंगा तो लाला आपको बता के जाऊंगा जरूर। और मैं कहाँ था, मैं आपको वो तस्वीरें भेज दूंगा, आप बस मेरा व्हाट्सएप मैसेज चेक कर लिया करें। और एक तरफ अगर स्क्रीन के लाला आप दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ स्क्रीन के दिख रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी, दी विनिंग चैंपियन कैप्टन ऑफ लाहौर कलंदर। शाहीन अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। लाला को बोलना तो और आवाज आ गई शाहीन को देख, माशाल्लाह। शाहीन बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द ट्रॉट दूसरी दफा, द कैप्टन ऑफ द विनिंग टीम, द चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। टीम एफर्ट है, मैं ये नहीं कह सकता कि इंडिविजुअल का काम है। एज अ टीम लड़के खेले तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट अच्छे मिले।
शाहीन, अभी इत्तेफाक से मेरे सामने ना ट्विटर खुला हुआ है और उसमें एक क्लिप आया जा रहा है जिसमें आप बल्ला लेकर और ग्लव हाथ में लेकर भागते हुए जा रहे हैं। बल्लेबाज आपकी टीम का दूसरा तैयार था, ये क्या बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर डिसीजन लिया कि हटो यार मैं जा रहा हूँ खेलने, बचाता हूँ मैच में जाके? जरा इसके डिसीजन के बारे में बताइए हमें, कब आइडिया आया कि भाई मैं जा रहा हूँ अब? नहीं नहीं, वो वैसे मैं अपने ग्लव्स और बैट बैग पे देख देख के मैं भी परेशान हो गया था कि मैंने ऐसी बारी ही नहीं ली। तो मैंने कहा चलो आज उसको यूज ही कर लेते हैं, तो यूज ही अच्छे टाइम पे हो गई। नहीं, ऐसा टीम डिसीजन था क्योंकि जाहिर सी बात है इस टाइम मैं नहीं चाहता था कि मेरे कोई मेन बैट्समैन इस टाइम आउट हो जाए। विजय राशिद वो प्लेयर है कि वो फिनिश अच्छा कर सकते, क्योंकि तीन चार ओवर रहते थे, तो मैं सोच रहा था कि अगर मैं मेरी एक दो हिट लग गई तो मेरी टीम के लिए अच्छा होगा। मगर कल जज्बात के बहाव में अपने शाहीन ये बताया कि एक पैड मैंने पहना हुआ था, दूसरे पैड पे मैंने आवाज लगा के वीजे को कहा कि रुक जाओ मैं जाऊंगा पहले। यस, वो जज्बात, वो मतलब शाहीन कल वैसे उस वक्त उस टाइम पे क्या सोच रहे थे कि जी मैं जाऊंगा और इस तरह की कमाल बैटिंग करूंगा? बिकॉज शाहीन शाह आफरीदी वी नो द सुप्रीम द प्रीमियम बॉलर ऑफ पाकिस्तान, बैटिंग क्या कमाल, मतलब ठीक है वो झलक आती रही है वक्तन फवक्तन, वो हमें बैटिंग की झलक आती रही है, बट इस तरह इतने जिम्मेदाराना तरीके से बैटिंग करना और एक कॉम्पिटिटिव टारगेट सेट करना, क्योंकि वो बैटिंग का स्पेल अगर आपकी तरफ से ना आता तो हम इतना अच्छा फाइनल नहीं देख सकते थे। नहीं देखिए, कुछ डिसीजन अगर आप ऑन द स्पॉट लेते तो आपके लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं और नहीं भी, बट एज अ लीडर एज अ कैप्टन आपको कुछ चीज़ें ऑन द स्पॉट लेनी पड़ती है। और आई थिंक मुझे उस टाइम ये फील हुआ कि अगर मैं खुद जाऊंगा तो वो मेरे टीम के लिए अच्छा होगा, तो मैंने सिर्फ अल्लाह का नाम लेके मैं गया हूँ और अपनी कोशिश की कि अपना बेस्ट दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है कभी कभी मेरे से बॉलिंग में भी नहीं होती, और अगर बॉलिंग में नहीं होती मैं कोशिश करता हूँ बैटिंग फील्डिंग में उसको कवर करूं, बट कल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिन था, अच्छा मैच हुआ। ये अच्छी बात है कि हमारे पास आजकल के दौर में तो सिर्फ ये पीएसएल की खुशी ही है, तो हम कोशिश करते हैं कि जितने भी अपने लोगों को खुशी दे सकते हैं वो अच्छी है। अरे बिल्कुल, आपने खुशी दी लोगों। शाहीन, आपको ये भी शायद बता चलूं कि पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का ये चौथी बेस्ट ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी जो कि कल आपने दी है, 40+ रन्स एंड 4 और मोर विकेट्स के हवाले से। शाहीन, पहला स्पेल ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आपका खराब गया, काफ़ी ज़्यादा आपने, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपने काफ़ी ज़्यादा रन्स दिए, प्रेशर में फील कर रहे थे आप अपने आप को, कुछ आपके एक्सप्रेशंस भी ऐसे लग रहे थे शाहीन के, वाकई आपने काफ़ी प्रेशर लिया हुआ है, और किस तरह कमबैक जो किया आपने अपनी बॉलिंग में, बिकॉज उसके बाद तो माशाल्लाह यू गॉट 4 विकेट्स, देन अपने आप को किस तरह आपने जो है वो सेटल डाउन किया और अपनी नर्व्स को कंट्रोल किया, वरना पहला स्पेल वाकई बुरा गया? पहले तो आपने अराउंडर बैटिंग वगैरह की परफॉर्मेंस की बात की, लाला के साथ बैठे हैं उनके साथ चक्कों की प्रैक्टिस काफ़ी की है कराची में, तो वो काम आ गए। और दूसरे देखिए, सम टाइम आपकी कुछ चीज़ें आपके हक में नहीं जाती। आई थिंक मैंने मेरे 6-7 साल हो गए अभी तक प्रोफेशनल क्रिकेट में, मेरा जो पहले 2 ओवर है उसमें मेरा काम है कि मैं अपनी टीम को विकेट दूँ, एज अ बॉलर एज अ कैप्टन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपनी टीम के लिए बेस्ट दे सकूं। जाहिर सी बात है 2 ओवर में नहीं हुआ, लेकिन मेरा काम है कि मैं अटैक करूं, मैं डिफेंस में नहीं जाता। जो आखिरी के 2 ओवर हैं उसमें मैं इक्वल चलता हूं कि मैं अटैक और डिफेंस दोनों में जाऊं, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन को देख के मैं चलता हूँ, अगर मेरे साथ इतने रन हो तो ऑफकोर्स मैं अटैक पे ही जाऊँगा। नहीं, और वो बिल्कुल, मतलब जो सेकंड्स का ऐसा लगा कि आपने जो वो कहते हैं ना खमियाजा पूरा करना, वो वाला काम आपने आके किया, एंड इट वाज ब्रिलियंट के सेकंड स्पेल में आके जिस तरह आपने रिकलेक्ट किया अपने आप को, और वो विकटें उस वक्त बहुत ज़रूरी थी मोमेंटम ब्रेक करने के लिए अपोजिशन का। मगर ये जो राज आपने बता दिया ना शाहीन बातों बातों में, हमने लाला से कई दफ़ा पूछा कि लाला ये आपकी सोबत का असर है कि जो शाहीन ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है, तो लाला ने हमेशा कहा नहीं, शाहीन को शौक है बैटिंग करने, बट लाला आज शाहीन ने जो है ना ये राज खोल दिया। मैं सवेरा मेरे ख्याल में पहले शाहीन को, उनकी पूरी टीम को, उनकी पूरी मैनेजमेंट को बहुत बहुत मुबारक हो, बैक टू बैक 2 PSL जीतना, और मैं समझता हूँ कि ज्यादा क्रेडिट जो है वो मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने शाहीन एक यंग लड़के पे ट्रस्ट करके उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिसके मैं खिलाफ था एज अ कैप्टन, और उसने जिस तरीके से निभाई, और अच्छी बात यह कि टीम के सारे लड़के इससे बहुत खुश हैं,
टीम को लेके चलता है, जो लीडर का काम होता है वो बड़े अच्छे तरीके से शाहीन ने किया, तो शाहीन को बहुत बहुत मुबारक हो। दूसरा इसकी बैटिंग के हवाले से, इसको बैटिंग का शौक बाकी सवेरा बहुत ज्यादा है, मैंने इसको देखा है, इंटरेस्ट लेता है, और ये अच्छी बात होती है। हमारे नीचे ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर उनको शौक है, वो शौक सिर्फ शौक की हद तक नहीं रहना चाहिए, उसको ग्राउंड में ले जाके प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो शाहीन ने ये पीएसएल के मैचेस से पहले बैटिंग की, बल्कि इन मैचों से पहले, ये दो तीन मैच आखिरी के जो थे, इससे पहले इसने काफी टाइम गुजारा है नेट्स के अंदर। तो जाहिर बात है आपको मेहनत भी करनी पड़ती है अपनी किसी चीज को डेवलप करने में, तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम, और अल्लाह करे ये पूरी पाकिस्तानी जितने इसी तरह पाकिस्तान के लिए नाम कमाते रहे। बिल्कुल आमीन आमीन। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि हम पीएसएल फाइनल के अगले दिन शाहीन की बॉलिंग के बजाय शाहीन की बैटिंग की जो है वो ज्यादा बात कर रहे हैं। हाउ टाइम्स चेंज। वैसे शाहीन, एक सवाल मैं जानना चाहूंगा, अब तो हिस्ट्री ना हो खत्म पीएसएल, न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान की सीरीज है, जाहिर है आप ब्रेक पर है, न्यूजीलैंड की सीरीज आनी है, क्या आपको हम ज्यादा परमानेंट रोल में देख रहे होंगे एज अ बैट्समैन, यानी ऊपर के नंबरों पे बैटिंग करते हुए आप नजर आ रहे होंगे, आपके इरादे क्या हैं, ख्वाहिश ऐसी है कि पाकिस्तान के लिए भी ये रोल अदा करें? कहते हैं ना, इरादे हैं फौलादी हिम्मत यार कदम। क्या बात है भाई, क्या बात। जब भी देखे, मेरा ये पक्का ईमान है कि अगर पाकिस्तान के लिए मुझे किसी भी नंबर पे किसी भी टाइम बॉलिंग भी मिल जाए ना, या बैटिंग बॉलिंग, तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। और जबरदस्त, कभी ये नहीं सोचा कि अगर कोई बॉलर हो या तेज बॉलर हो, उसका चस्पे लगा हो, उस टाइम में बैटिंग करूँ मैं पीछे जाऊँ, या बॉलिंग करता हूँ कोई जो अच्छी बैटिंग करूँ मैं पीछे जाऊँ। मैं ये है कि अपनी टीम के लिए जिस टाइम मैं अच्छा कर सकता हूँ उसी टाइम मैं आऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। इंजी भाई, आप कुछ अगर कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं शाहीन को? नहीं, पहले सारों से पहली बात तो ये कि जी शाहीन को मुबारक हो बहुत, और वाकई जिस तरह शाहिद ने कहा है ना कि जी मैं अगेंस्ट था इस चीज के, मैं, मेरी खैर राय तो नहीं थी उस टाइम, लेकिन मेरे लिए भी ये बड़ा हैरान कन बात थी कि जी बिल्कुल, क्योंकि शाहीन ने ना इससे पहले जिस तरह अंडर 19 में आप कहीं कप्तानी कर रहे होते हैं, कहीं भी नहीं कर रखी थी, और जिस तरह इसने लाहौर कलंदर को हैंडल किया और फ्रेंचाइज, और T20 में ना लोगों को छोच लगता है, लेकिन इसमें डिसीजन इतनी जल्दी आपको लेने पड़ते हैं ना, और एक भी आपको चेंज है ना आपको कहीं से कहीं ले जाती है। उसमें जिस तरह इसने कैप्टनसी की है वो वाकई काबिले दीद है, तो बहुत मुबारक हो। और बिल्कुल लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उनको भी बहुत मुबारक हो, कि जिस तरह के पहले चार साल के बाद उन्होंने अपने जिस तरह आकिब पे भी उन्होंने ट्रस्ट किया, अपनी मैनेजमेंट पे ट्रस्ट किया, और नए कप्तान लेके आए जी, और उस पर ट्रस्ट किया और उसको पूरी अथॉरिटी दी, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और बिल्कुल सही बात है कि शाहीन की जो बैटिंग में निखार आया है ना, जब बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग तो सारों को पता है कि ये अच्छा बॉलर है और माशाल्लाह वर्ल्ड क्लास बॉलर्स, बॉलिंग की बात करें तो शायद इसको फर्क पड़ा होगा, लेकिन ये शुरू में जिस टाइम मैं भी था ना, तो मेरे से भी कहता था कि मुझे अगर आप ऊपर भेजें ना, तो मैं जिस टाइम सिलेक्शन में था उस टाइम की जी मैं, मुझे शौक है कि मैं छक्के छक्के मारूंगा, मैंने कल भी इस चीज का जिक्र किया था जी। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि जी जिस तरह ये बैटिंग कर रहे हैं ना, इससे टीम को बड़ा फायदा होता है, कि अगर आपके जो सब एक पूरा प्रॉपर बॉलर हो और वो आपको बैटिंग में इतना एज दे दे, तो ये टीम की ना बहुत स्ट्रेंथ बनती है। अक्सर ये अगर किसी भी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो ना, अगर किसी भी टीम की स्ट्रेंथ देखनी हो, उसकी टेल की जैसे टेल एंटर्स होते हैं ना, जो नीचे के सात नंबर के बाद के बैट्समैन होते हैं, उनकी फाइट देखा करेंगे कि वो कितनी फाइट करते हैं टीम के लिए। तो ये जैसे लाहौर कलंदर की जो टीम की डेप्थ थी ना, वो ये वाली चीज जिससे इन्होंने मैच जीता है कल। हालांकि शुरू में 15 ओवर तक मुल्तान वाले बिल्कुल हैवी थे कलंदर्स पे, बल्कि 16 ओवर तक, 4 ओवरों में आके सारा नक्शा बदला, क्योंकि जी मेरे ख्याल में शाइन वगैरह भी लाहौर कलंदर के उसमें भी ये भी 170 एक का सोच रहे थे, 170-175 पे हम पकड़ेंगे, लेकिन बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेल ली, और अल्लाह करे कि इसकी परफॉर्मेंस इसी तरह ही हो अपनी फ्रेंचाइज के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। बिल्कुल जी शाहीन, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग। अभी आप रस्ते में मुझे पता है जा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले हमारी समीन से बात हुई थी, समीन बड़ा उदास थे कि सारे लड़के जो अब वो चले गए, वो ऐसा लगता है ना जैसे बाप के साथ जो है सब लड़के मौजूद होते हैं और अब इधर उधर बच्चे उड़ गए हैं, चले गए। सो यस, कॉन्ग्रेचुलेशन अगैन एंड इंजॉय योर ऑफ टाइम, अच्छी तरह अपने आप को फिट अगले जो सेशन है, अगले जो सीरीज है
पाकिस्तान की उसके लिए एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इट वॉज अ वंडरफुल जर्नी. पीएसएल 8 का जो मैं कहूंगी कि हमारे लिए जो तड़का लगा दैट वॉज आप लोगों की प्रेजेंस हमारे साथ. थैंक यू इंजी भाई, मुशी भाई, मिसबा, इरम, इमाम इस वक्त मौजूद नहीं है, ही इज टेकिंग अ फ्लाइट राइट नाउ, लाला, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया. बट इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल जर्नी. ये ऑलमोस्ट 42 डेज किस तरह गुजरे, एक बहुत लंबा सफ़र था, कोई ब्रेक्स नहीं थी, बहुत हम थक भी गए, मगर ये कि उस थकावट के साथ बहुत मजा भी आया. सो यस, आई थिंक वी ऑल एंजॉयड अ वंडरफुल टूर्नामेंट. और कल का फाइनल वाज अ फिटिंग फिनाले टू एन अमेजिंग रोलर कोस्टर राइड. एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आई होप इट बोड्स वेल फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बिकॉज दैट इज द पर्पस ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग. अदील और सवेरा को इजाजत दीजिए. थैंक यू सो मच. अभी जोर का जोर खत्म नहीं होगा, अगले दो तीन दिन आप जोर का जोर देखेंगे एंड देन इख्तिताम होगा. कुछ आपको हम चीजें रीकैप्स करवाते रहेंगे, आपको भूलने नहीं देंगे इतने आराम से. इंशाल्लाह कल होगी, आप लोग इसे मुलाकात. ख्याल रखिएगा. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़.